सब्जियां होती चलिए चलिए, तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले अपनी जमीन को कोई भी पेस्टिसाइड लगा करके 1 महीने तक उसको छोड़ दीजिए उसको वैसे ही, क्योंकि आप सब्जी तो लगा नहीं सकते क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड डाल दिया हमने। उसके बाद उसमें बीच बीच में पानी डालते रहो, और डालने के बाद जब जमीन में से सारे कीड़े खत्म हो जाते हैं तब उसको हमें अच्छी जमीन बनानी है। तो उसको बनाने के लिए वो लिख लीजिए जमीन पे, हमारी 4x4 फीट का एरिया है जमीन का, तो उसके लिए एप्सम सॉल्ट ले लीजिए 5 टेबल स्पून, है बेकिंग सोडा 3 टेबल स्पून, नीम ऑयल आता है, मैं अभी पिक्चर में भी दिखा दूंगी, नीम ऑयल की एक शीशी कहीं भी मिल जाती है आपको, होम डिपो पे भी मिल जाएगी, कहीं थोड़ा भी। धीरे धीरे हाँ चलिए, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। थोड़ा अच्छा धीरे चलिए। एप्सम सॉल्ट 5 टेबल स्पून, हाँ, और बेकिंग सोडा 3 टेबल स्पून, नीम ऑयल 2 टेबल स्पून, ऑनियन पील, आपके घर में जैसे छिलके इकट्ठे हो जाते हैं ना, थोड़े थोड़े करके फेंको नहीं ऑनियन के छिलकों को, वो इकट्ठे करते रहो, और उसको चाहे पानी में एक उसमें बाहर कोई भी ट्रैश कैन है उसमें डाल के पानी भी डाल दो, वो बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर बन जाता है, उससे कीड़े आएंगे ही नहीं, आपके पत्ते खराब ही नहीं होंगे कभी भी। तो तो वो नीम ऑयल कितना डालना है? 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून। 8 टेबल स्पून क्या बोला था कुमकुम जी? 5 टेबल स्पून क्या था? बेकिंग बेकिंग सोडा, सोडा, बेकिंग पाउडर तो अपने 2 टेबल स्पून बोला, 3 स्पून 3 टेबल स्पून, या और ओनियन पील 1 पाउंड ले लीजिए कम से कम मिनिमम, है ना, अंदाज से ले लो बल्कि। और इसके लिए कंपोस्ट का एक, क्योंकि आपकी जमीन इतनी खराब है, बार बार आपको अपनी जमीन तैयार करने के लिए इतना सारा सामान नहीं डालना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट टाइम की बात बता रही हूँ, आपकी जमीन बहुत कह रहे हैं ना खराब है बहुत, तो 1 बैग आप अपना 3 क्यूबिक का उसमें ला करके उसमें मिक्स कर दो उसी अपनी खराब मिट्टी में ही कंपोस्ट को। अच्छा, कॉफी ग्राउंड आता है ये, इस कहीं मिल जाता है, स्टारबक्स में मिल जाता है, तो आप उसके, ये वेस्ट होता है काफी, ये वो लोग फ्री दे देते हैं कॉफी बैग्स, किसी भी 2-3 आप स्टारबक्स पे पूछेंगे तो जब भी कॉफी पीने जा रहे हो तो बीच में गाड़ी रोक करके वो रख भी देते हैं और उठा भी लो, बड़े इतने बड़े बड़े बैग आते हैं, काफी 3-3 4-4 पाउंड के बैग होते हैं, कॉफी बैग। किसी भी आप बोलेंगे वो लोग स्पेशली रखते गार्डनिंग के लिए ही है वो लोग, तो वो फ्री देते हैं? फ्री? वो फ्री देते हैं बिल्कुल, आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, वो तो बड़े खुश होते हैं कि आपके गार्डन में सब्जियां हो रही हैं सारी, है ना। व्हाट इज इट कॉल्ड कुमकुम, व्हाट इज इट कॉल्ड? कॉफी इसको कहते ग्राउंड, हैं कॉफी ग्राउंड, कॉफी उनसे बस ग्राउंड, खा लीजिए, कह दीजिए मुझे हमें कॉफी ग्राउंड चाहिए वेस्ट वाला गार्डनिंग के लिए, ग्राउंड ग्राउंड, GROUND, जी ROUND। ओके। आपने 3 क्यूबिक फुट कंपोस्ट बोली बीच में? हाँ, वो भी मतलब इसके बाद आपको, फिर उसके बाद कहेंगे ना आप जमीन के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार की बता रही हूँ मैं आपको। ये जो कॉम्पोस्ट है ये लाइक व्हाट व्हाट मेक इज इट, लाइक व्हाट डज इट लुक लाइक, इज इट? ये बिल्कुल ऐसी होती है जैसे उसकी वो होती है ना लकड़ी का, वैसा होता है हाँ, वैसे। प्रादा, हाँ। हाँ, और ये आपको सिटी वगैरह में भी फ्री देते हैं, लेकिन उसके लिए गार्डनर से बोलना पड़ेगा, वो लाके डालेगा फिर। अच्छा, इट इज वेरी चीप इन होम डिपो, $2, 2.50 का बैग होता है, बहुत सस्ती होती है, बहुत सस्ती होती बहुत है। सस्ती होती है। हाँ, और नहीं तो गार्डनर से मंगानी है, उसमें अपनी गाड़ी में रख के लाना पड़ेगा, ये गार्डनर आएगा वो डाल के भी चला जाता है। तो आपकी ये मिट्टी तैयार हो गई, इस मिट्टी को आप भुड़ुरा करके उससे कहो गार्डनर से मिल, खूब अच्छे से सबको मिक्स कर दे अच्छे से, और आपकी ये तैयार हो गई। अच्छा, मीनवाइल जब क्या आपकी मिट्टी तैयार हो गई है, उससे पहले ही अपने बीजों को, जो मैंने आपको बताया ना इस समय फॉल के लिए सलाद के बीज और मूली ककड़ी खीरा ये चीजें, और थोड़ा सा ये चीजें आप ले लीजिए, है ना। तो उसको आप, बेस्ट तरीका तो ये होता है, मैं तो अपने यहाँ जो मैं जो अपने यहाँ करती हूँ बेस्ट, मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने कोई चीज इस पे कहीं से ना देख के बता रही ना कुछ है, जो मैंने 3-4 साल से जो कर रही हूँ वो है मेरा। तो उसके बाद आप लोग सीधे ही उसको, जो बीज है आपके उनको किसी पॉट पे लगा लो, जिससे कि अंदर आपकी केयर हो जाएगी कि जब उसमें से पौधा निकलता है तो अच्छा भी लगेगा उसमें से निकल रहा है, क्योंकि जमीन पे हो सकता है कोई कीड़ा आ जाए, या वैसे तो कीड़ा खत्म ही कर दिया मैंने जमीन तैयार करके। तो उसके बाद उनको लगाओ उसको, बीजों को थोड़ी थोड़ी दूर दूर पे लगा दो, और बीज ज्यादा नीचे नहीं घुसाने चाहिए हमेशा, ज्यादातर बीज जो होते हैं वो सिर्फ 2 इंच मैक्सिमम होना चाहिए, नहीं तो 1-1 इंच भी बहुत सही रहता है,
उसके बाद आपका अच्छा पौधा निकल आएगा, तब भी आप इतना ही लगाइएगा, ठीक है? अभी आप सीधे सीधे नहीं उसमें लगाए, सिर्फ अलग से पॉट में लगाकर फिर उसको ट्रांसप्लांट करें। उससे बलजीत जी मैं आपको बता रही हूँ कि जो बीज डालोगे वो पास पास डाले तो उससे आपकी पौध तैयार हो गई। जब हमारी पौध तैयार हो जाती है तो उसको हमें डिस्टेंस पे लगाना चाहिए, नहीं तो एक संग ही आप तीन पौध एक संग तैयार हो गई तो मूली कैसे बढ़ेगी? आपने मूली लगा दी तो वो तो मोटी होती चली जाएगी ना, ठीक है? ठीक, वो मुड़ जाएगी फिर। ठीक है, ठीक है। आपने जो अनियन पील बताए उसको पानी में आपने कहा भिगो दो, तो कैन वी ग्राइंड द अनियन पील इन ए ब्लेंडर और फिर डाल दे? जरूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी में, तो आप मिट्टी में वैसे भी डाल दीजिए तो वो थोड़ी थोड़ी दूर पे लग जाएगा, मिट्टी में वैसे ही खाद बन जाएगी उसकी। अच्छा, कि तक ग्राइंड करो ये मतलब झंझटबाजी है, कब तक करेंगे? एक बार कर दोगे आप लोग, है ना, फिर खाना बनना है फिर से कहेंगे स्मेल आ रही है उसके अंदर, तो डायरेक्ट ही कर दो आप, नहीं तो पानी में डाल करके फिर डाल दीजिए। मैं तो पानी में डालती हूँ कभी, उसका फर्टिलाइजर तैयार कर लेती हूँ यूनियन, उसका पील और अनियन भी डाल दें उसमें। हाँ, छिलका भी डाल दीजिए, वो तो खाद बन गई ना, आप कोई भी चीज के छिलके हैं। छिलका विद अनियन? हाँ, विद ऑनियन नहीं, ऑनियन तो आप खा लीजिए, उसका छिलका ले लीजिए बस, छिलका ही ना खाली। लेकिन एक पाउंड छिलका कहाँ से होगा, इतना छिलका कहते हैं? तो इकट्ठा कर लीजिए और ट्रैश में बाहर कर लीजिए थोड़ा सा। ओके, ठीक है। अगर प्याज डालनी है थोड़ी और डाल दो प्याज, एक दो डाल दो, खराब हो गई सड़ गई प्याज, कभी कभी सड़ जाती है, वही डाल दो। ओके ओके। ये प्याज के छिलके को अपन पानी में भी डाल कर रख सकते हैं कुछ समय के लिए? मैं आपको सही बता रही हूँ अपना, कि मैं प्याज के कभी भी छिलके होते हैं वो अलग एक ट्रैश में डालती जाती हूँ, पानी भर रखा है उसमें, उसको ढक्कन बंद कर देती हूँ और उसके अंदर वो दो तीन महीने तक पड़ के वो प्याज के संग पानी के संग वो सड़ जाता है। फिर उसको मैं बड़ा सा एक कपड़ा है कोई भी चीज छन्नी वाला जैसा होता है और भाटी बकेट है उसमें ही डाल के छान दिया तो वो अच्छा फर्टिलाइजर बन जाता है। बात के लिए भी वो एक बॉटल में भर के रख रखा है मैंने यूनियन इसका ओनियन का, वो बॉटल है आपके पास अभी? तो इसमें बनाना पील्स और बॉटल है आपके पास अभी? बॉटल ले आऊंगी, बॉटल में स्प्रे करने के लिए रखा हुआ है मैंने, बड़ी बड़ी रखा है उसमें ऑनियन पर। हाँ, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मैं ले आता हूँ बाहर से, मैंने बाहर बाहर है अपने ये दूध वाले जो, दूध वाले जो होते हैं ना अपना मिल्क, मिल्क उनको यूज कर सकते अपन। अलग 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 पानी, आवाज कैसे, आवाज कैसे, अपने हस्बैंड को वापस बुलाओ, वो बैठे हुए तो नहीं आ रही थी। एक सवाल पूछ सकते हैं? अब ठीक आ रही है। हाँ जी, एक सवाल पूछ सकते हैं? हाँ जी बोलिए। हाँ, कि हमारे वी लाइक टू ग्रो बट हमारे वो क्या है जो गोफर बहुत आते हैं, गोफर्स। कुमकुम जी मेरी सजेशन क्या है, आप पहले अपना पूरा कीजिएगा टॉपिक, ये देखो ये बात प्रश्न से लेके तो बहुत कट हो जाएगी। ओ ये अच्छा, ओ अच्छा, यस 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 अच्छा, ओनियन फर्टिलाइजर लिखा हुआ है। हां, ओके ओके, गुड, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको चाहे मिट्टी में डाल दीजिए स्प्रे, ये तो मैं इतना अच्छे से तैयार हो गया, इसके छिलके जो छने वो वाले मैंने मिट्टी में डाल दिए, ये मैंने अच्छा सा तैयार कर लिया कि कभी भी कोई कीड़ा ना लग जाए मेरे इसमें चीजों पर। तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं लीफ के ऊपर? हाँ, स्प्रे करती हूँ, पत्तियों पे भी करती हूँ, मिट्टी में भी करती हूँ, जिससे कि इसकी स्मेल से, ये पेस्टिसाइड है अच्छा खासा, सारा कोई कंट्रोल कर लेगा आपकी सारी। बोथ वेज इट वर्क्स। इसमें ऑरेंज पील भी हम डाल देते हैं, हम खुद बनाते हैं ये सब, ऑरेंज पील भी डालते हैं, सारी सब्जियों के पील डालते रहते हैं और फिर हम उसमें पानी डाल के खुद बनाते हैं फर्टिलाइजर घर में। कुमकुम जी अपने आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, हो गया अभी। कुमकुम जी, आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक यस प्लीज, सॉरी, कुमकुम जी को अपना सेशन पहले बोलने दीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन प्लीज बाद में लीजिए। अच्छा, I just had a just small question. No, later. I'll repeat. अच्छा,
तो अब जो भी बीज आपने, मैंने बताया आपको, अब मिट्टी तैयार करी है आपने या आपने कोई भी बीज बोया है, क्योंकि आप बिगनर हैं अभी सब लोग, है ना, सबकी, सपोज मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि अभी हो, जो लोग हैं बिगनर, तो उसकी वो आप डेट लिख लीजिए कि मैंने इस तारीख को अपना बीज बोया था, इस महीने में बोया था, है ना, कि आप नवम्बर में कर रहे हैं तो मेरा 11 नवम्बर को मैंने सीड डाला है और ये वाला ईयर है, उसको लिख दीजिए एक जगह पर, वो कलर अपनी डायरी बना लीजिए पूरा। मैंने ये डायरी बना रखी है अपनी पूरी कि मेरा कितना टाइम लगा इस वाले सीट को आने में, और फिर नेक्स्ट ईयर आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वो सेम क्वेश्चन कि मेरे को कौन सा बीज बोना है और क्या करना है। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, मेन जो पॉइंट है। तो मेरे को भी ऐसा बहुत गार्डनिंग नहीं आती थी, मैंने शुरुआत ऐसे ही करी। मेरे फादर थे, वो मुझे थोड़ी सी नॉलेज तो जरूर देते थे हर चीज के लिए कि कोई भी काम करो कैसे करो, है ना। तो फिर मेरे को यहाँ पर आके तो कोई ऐसा गार्डनर होशियार मिला ही नहीं मेरे को, तो मेरे को अपनी था कि मैं गार्डनर को खुद ही करवाती हूँ कोई भी काम कह करके कि ये कर दो अभी। अच्छा, अब मैं आपको एक टाइम और, अब ये टाइम और आ गया, अब इस समय आप कटिंग कर सकते हैं किसी भी चीज की, और कटिंग करके और आप उस कटिंग को लगा भी सकते हो अपने जमीन पर, अगर अब आपके पास जमीन अच्छी है तो, या कोई अच्छा पॉट ले लीजिए, है ना, उसके लिए। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, जमीन को कटिंग करने के लिए क्या करना है, तो इसके लिए आप कोई भी कट करेंगे तो इसको स्लांट करके कट करना होगा। मेरे पास अभी कोई टहनी नहीं है, नहीं तो मैं कटिंग करके, कटिंग दिखाती करके कैसे की जाती है, कलम की तरह, हाँ कलम की तरह करते हैं इसको, 45 डिग्री ऐसे करके टीड़ा काटते हैं। तो उसके बाद इसको, अगर यदि आप पे रूटिंग कंपाउंड है उसमें डिप करके, या हल्दी में डिप करके, और या फिर एलोवेरा का पेड़ है आपके पास तो उसका जेल निकाल के उसमें डिप करके, तो 3-4 चीजें होती हैं, आप इसको डिप करके फिर कटिंग को लगाइए। तो सपोज आपने 6-7 कटिंग लगाई तो 3-4 कटिंग तो आपकी निकल के आ ही जाएंगी उसमें से। कटिंग की मोटाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत लोग होते हैं बहुत मोटी मोटी कटिंग लगा दी, आप पेंसिल आपके जैसी होगी तो पेंसिल की कटिंग जो होती है वो ठीक है, और 1 फिट मैक्सिमम होनी चाहिए कटिंग की लंबाई जो होती है। और ये टाइम बहुत अच्छा है, आपको किसी भी चीज की कटिंग, गुलाब की भी ले सकते हो आप, और किसी भी पेड़ की आप लगा सकते हैं इस समय कटिंग। लेकिन मैं वैसे एडवाइस करूंगी, इस समय बारिश होके चुकी है तो कोई भी ट्री है उसके, सपोज बहुत बढ़िया सा अमरूद का पेड़ है आपका, तो उसके साइड साइड से भी पौधे निकल आते हैं। अब हमारे इसकी रसभरी के में से बहुत निकल रहे हैं साइड से, ये लॉकार्ट के निकल रहे हैं बहुत सारे, तो वो पौध नीचे रूट से निकाल लीजिए, वो भी तैयार हो जाती है पूरी, जैसे केले वगैरह का पेड़ होता है उससे लगती है, तो ऐसे हो जाएगी। ये टाइम बहुत अच्छा है, इस समय आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है काफी मॉइस्चर है इस समय, मेन तो ये है, और आराम से निकल भी जाएगा कोई भी चीज है। तो अब एक ये चीज हो गई। अब इसके लिए फ्रूट ट्री जो होता है मेन, अब आप सबका ये कहना होता है कि फ्रूट्स जो होते हैं बहुत लोगों के जानवर खा जाते हैं, कभी गिलहरी खा जाती है कभी, तो आप संभल में आते ही नहीं है लोगों का, है ना, कभी हवा ने डिस्टर्ब कर दिए, फूल तो आपने मेहनत कर ली सारी की सारी, तो उसका बेसिक तरीका होता है कि आप पेड़ को ज्यादा मत बढ़ने दो, 7 फिट बहुत होता है पेड़, 7 या 8 फिट का, मेरे लॉकआउट भर गए लॉकआउट पूरे, जबकि 7 फिट का लॉकआउट का पेड़ है। और मैंने यहाँ पे पास पास में देखे इतने पूरे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, जैसे अखरोट वगैरह के होते हैं, तो उसके आधे ट्री तो जानवर वो पक्षी खा लेते हैं, फिर नीचे गिरे रहते हैं, आपका हाथ ही नहीं पहुंचेगा। तो ये जो छोटे ट्री होते हैं आप उसको हैंडल कर सकते हो, एक तो आप उनको बचा सकते हैं। तो उसके लिए मैं दिखाती हूँ, ये बैग्स हैं मेरे पास छोटे छोटे, ये वाले बैग्स हैं, ये मैंने अमेजोन से मंगाए हर साइज के। तो अब ग्रेप्स हो रहे थे मेरे बहुत सारे, तो मैंने ग्रेप्स इसके अंदर डाल दिए, इसके अंदर सारे एक एक बंच डालती चली गई और उसको बंद कर दिया इसको। और ये आते ही उसके लिए हैं ट्री, उसमें प्लांट के लगाने के लिए। तो बड़े ट्री के लिए भी फ्रूट्स पे आप कर सकते हो, नहीं तो फ्रूट के ऊपर का जाल आता है अमेजोन पे, वो पूरा कवर, क्योंकि छोटा ट्री आप कवर कर सकते हो, आपका बहुत बड़ा ट्री हो जाता है तो आप कवर ही नहीं कर सकते, उसको हैंडल नहीं कर सकते फिर। तो जितने भी फल आपको खाने वो आपको बड़ी अच्छे उसमें मिल जाते हैं, आप लोगों को बांट भी सकते हैं, नहीं तो पहले ही खत्म हो जाएंगे वो तो सारे के सारे। तो एक ये चीज ध्यान रख लीजिए, इस तरह के बहुत साइज के आते हैं ये, तो जरूर मतलब लौकी के लिए भी बचाने के लिए, क्योंकि लौकी सब लोग कहते हैं ना पहले ही मर गई हमारी, तो लौकी इतनी बड़ी बड़ी हुई और फिर सब खत्म होती जा रही है सबकी, किसी की पीली पड़ गई, काली पड़ गई या तो कुछ हो, तो उसमें क्या आता है, एक वो आती है मक्खी आती है, वो उसके फूल के अंदर घुस जाती है
तो उसमें वो अपना कीड़ा छोड़ देती है, कोई चीज डंक मार देती है तो उससे वो काली हो जाती है। अब मैं इससे कवर कर देती हूँ तो वो काली ही नहीं होती। वो सारी लौकी अच्छे से मैं दिखाऊंगी पिक्चर अभी आपको, लौकी की भी और उसकी। योगेंद्र जी ने मुझे को होस्ट बना दिया, मैं अपनी पिक्चर शेयर कर सकती हूँ। अच्छा अब मैं इसको इसके बाद आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी कि किसी भी प्लांट की कटिंग कैसे की जाए। नहीं तो लोग कहते हैं हमारा पेड़ तो इतना बड़ा हो गया, हमारे में तो लौकी नहीं आ रही, आपके में पम्पकिन कैसे आ रहा है या आपके में रसभरी कैसे भर गई। तो उसका भी एक रीजन होता है, वो क्या करना चाहिए उसका मेन तरीका बताऊंगी, जो सब लोग नहीं कर पाते उस चीज को ना प्रॉपर तरीके से, तो वो सीखना। एक सवाल, आपने जो बोला कि ट्री को 6 से 8 फुट से नहीं ज्यादा करना चाहिए, उसे उसके बीच में रहना चाहिए, तो जो जो तो ड्वार्फ ट्री है वो तो बढ़ेंगे ही नहीं, जो दूसरे हैं बड़े हो जाते हैं, जैसे फिक का ट्री है इतना बड़ा पहाड़ जैसा हो जाता है ऊपर, तो उसको भी ऐसे काट दो नीचे तक काट दो। मैं तो मैंने अपने फिक के ट्री को शुरू में ही बढ़ने नहीं दिया, इतना फिक खाया। और मैंने मेरे पड़ोस में है उनका इतना बड़ा फिक है, वो कहते हैं जमीन में पड़े हुए हैं क्योंकि फिक पक पक के नीचे गिर गए तो चींटियों ने खा लिए कुछ कर लिए, तो आप खुद को तो मिले ही नहीं ना खाने के लिए। काट दो उसको जितना नीचे तक काट दो, बेशक नीचे तक काट दो पूरा अच्छे से। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी अपने फिक के ट्री की, और फिक भरा हुआ है पूरा अच्छे से। अमरूद का पेड़ भी मेरा 5 फीट का है, भरा हुआ है अमरूदों से। वेरी गुड। और तो अमरूद दिखाती हूँ, अच्छा थोड़े से मैं दिखाती हूँ, दिख रहे हैं कोई मेरे को, वो करो स्पॉटलाइट पे लाओ। ओके आप स्पॉटलाइट पे हैं ऑलरेडी? नहीं हूँ अभी, स्पीकर व्यू पे आई वो। हाँ अब आ गई मैं, देखो ये दिख रहे हैं। अरे वाह, ये आपके घर में लगे हैं? ये मेरे घर में लगे, मैं पेड़ दिखाती हूँ अभी, अभी ट्री भी दिखाऊंगी आपको इसके अंदर। इसका बीज कहाँ से मंगवाया? ये मैं पेड़ लेके आई थी नर्सरी से, ये फ्रीमोंट नर्सरी है वहां से लाई थी। अच्छा, अच्छा। और ये हर साल देता है, 5-6 साल हो गए और बड़े मीठे हैं, इसके अंदर बहुत बीज भी नहीं है जैसे। अच्छा। खा के दिखाओ जरा। देखो, देखो बीज भी नहीं है, देखो मुंह में पानी आ गया। हमारे यहाँ तो बिल्कुल गिलहरी सारा पता नहीं कौन कौन सब कुछ खा जाते हैं, हमने बड़ी कोशिश की है। तो अब मेरे भी तो नहीं खा रहे, देखो मेरे नहीं खा रहे ना, मैं उसका सब रीजन आपको तो खुद खा रही है। तो कुमकुम बात सुनो, आपके इसके अमरूद के नीचे बच्चे नहीं हुए अभी तक? बच्चे नहीं, बच्चे होंगे तो सबको दूंगी मैं। ऑलराइट, और मेरा नाम योगेंद्र भाई, आपने कहा था ना वहाँ आने के लिए, तो मैं आई थी गरबा में, तो मैं आपके लिए सामान लेके आई थी लोगों के लिए, मैंने सोचा सीनियर्स आएंगे मैं दे दूंगी सब लोगों को, मैंने देखा वहाँ कोई है ही नहीं। हम खुद भी नहीं आए थे। हाँ मैं गई स्पेशली थी कि मैं सब लोगों को चीजें बांट दूंगी वहाँ पर। आप एक बार दोबारा चलिए दोबारा प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ खाना भी नहीं खाया, फिर रात को आके खाना बनाया, फिर खाया। नहीं वहाँ क्यों बुला रहे हो, सैंड्रा मॉल में बुलाओ ना। रसभरी दिखा रही हूँ जो मैं तोड़ के लाई हूँ। ये भी आपके बाग में लगी है? वो इसका पेड़ दिखाऊंगी मैं रसभरी का, कितनी बड़ी बड़ी अमेजिंग, इसके बच्चे बहुत सारे हो गए पेड़। चलो अच्छा, मेरे को एक बच्चा चाहिए। हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए बच्चा। अडॉप्शन अडॉप्शन लिस्ट तैयार करते हैं अभी। आप सबके नाम ले लेना जिस जिसको चाहिए। बिल्कुल आई कैन नॉट शेयर, मैं पिक्चर भी दिखाऊंगी इन्हीं अमरूदों की दिखाऊंगी पिक्चर, अमरूद का पेड़ भरा हुआ है मेरा। उनको मेरे को नहीं भूलना जी, आपको तो बिल्कुल नहीं भूल सकती, आप तो खैर मेरी मेरे लिए बहुत कुछ हो। थैंक यू थैंक यू, और हमें भी मत भूलना भाई। ये कौन कौन बोल रहा है भाई, सबको भूल। सुषमा 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 बोल रही है। कुमकुम कुमकुम, मैं गीता जी बोल रही हूँ, आपकी आवाज समझ में आ रही है। मुझको बिल्कुल नहीं भूलना आप, नहीं कभी नहीं भूल सकती। आपको तो मैंने कहा था मैं लेने आ जाऊं आपको, मैं तो आपका घर पास ही है, मैं तो आपको खुद आ रही थी लेने के लिए, आपने ही कहा कि मैं तो आके रसभरी खाने आ जाऊंगी। अब नहीं, अभी अभी बताइए, अभी मैं फ्री हूँ, आ गई हूँ बाहर से, तो आप आ जाओ अभी, आ जाओ मेरे, अभी टाइम क्या हुआ, आपका बेटा छोड़ने अभी कल तो हम लोग बाहर से आए हैं, अभी 1-2 दिन के बाद। ठीक है, जो कभी जो बहुत खट्टे फ्रूट आते हैं इसका मतलब उनकी जाति खट्टी होती है या कुछ गड़बड़ सॉइल में होती है? उसका मैं आपको लिखवा देती हूँ, 2-3 चीजें हैं उसकी लिखवाऊंगी, कि टमाटर भी बहुत खट्टे होते हैं, उसके लिए 2-3 चीजें हैं मेरे पास लिखी हुई हैं,
और दूसरी बात जो टमाटर है उनकी स्किन बहुत मोटी होती है, इस बार टमाटर मैंने लगाए जो स्किन इतनी मोटी थी कि कुक करने में भी वो रह जाती है. सो आई वाज पीलिंग द स्किन आउट. कभी-कभी टमाटर सूख से जाते हैं तब होता होगा, आपके फ्रेश टमाटर नहीं होंगे. ये टमाटर जो होते हैं ज्यादातर जो आप कैन वाले टमाटर लेके आते हैं उनकी स्किन भी गलती नहीं है, बहुत गलती नहीं है. राइट. जैसे हमारे यहाँ अनार है, आते बहुत है, 100-150 अनार आ जाते हैं पेड़ पे, लग जाते हैं, लेकिन बहुत खट्टे, खा ही नहीं सकते, तो उनका जाति खराब है शायद. नहीं, हमारे इसमें वो विनियार्ड लगा हुआ है, वाइन की वजह से तो नहीं है. हाँ, वाइनरी लगी हुई है पास, वाइनरी लगी हुई है पास में, वाइनरी लगी हुई है आपके. हाँ, पास में क्या होता, उससे कुछ नहीं होता. लेकिन किसी ने बोला है कि वाइनरी उसको पानी कम ज्यादा कुछ, आई डोंट नो कि, लेकिन वो खट्टा कर देती है ऐसा बोलते हैं. अनारदाना अनारदाना होगा. कौन से वाले ग्रेप्स लगे हुए हैं? ग्रेप्स की बात, वाइनरी 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 वाले ग्रेप्स, वो कौन से होते हैं वो नहीं मुझे पता. छोटा ग्रेप होता है, वाइन का होता है, छोटे 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 ग्रेप्स. हाँ, छोटे होते हैं, तो उनके साथ ही हमारा ना उसका पेड़ है. ओके, अभी आप बताइए. मैं आपको बता रही हूँ, बेकिंग सोडा पानी में मिला करके, एक मिनट मैं लिख लेती हूँ. हाँ, तो उसमें डालिएगा, रूट्स पे पहुंच जाना चाहिए, तब उसको कोई भी चीज थोड़ी सी स्वीट करनी है तो आराम से कर सकते हो. तो कितना बेकिंग सोडा मीठा कर सकते हैं? आपको पेड़ के हिसाब से अंदाज से करनी पड़ेगी. आप जितना लीजिए, आधा कप ले लो बेकिंग सोडा और पूरा दो तीन लीटर पानी ले लीजिए और उसमें डाल दो एक दो बार करके, थोड़ी एक संग मत डालो, थोड़ा थोड़ा करके डाल दो. ऑरेंजेस में भी डाल दे, ऑरेंजेस के लिए भी कोई चीज मीठी करनी है तो. मान लीजिए अनार है, अनार का पेड़ है, उसको उस अनार का फल मीठा हो जाएगा. आप ट्राई करो, हो सकता है हो जाए. आप अनारी की बात कर रही हैं, बिकॉज़ आई हैव अनार एंड व्हिच इज लाइक करेला. करेला मीठा हो जाएगा, ठीक है. देखा तो इनका जो सीड है वो भी काफी हार्ड है. मैंने टमाटर मीठे करके देखे हैं, है ना, मेरे अमरूद मीठे हैं. अमरूद के लिए मैंने इंडिया में एक बार नमक डाला था, मोटा वाला नमक होता है ना इंडिया में जो मिलता है, वो उससे नहीं, सेंधा नमक नहीं, मोटा नमक जो होता है वो मैंने जड़ों में थोड़ा सा मिट्टी निकाल के डाला था, तो उससे अमरूद बहुत मीठे हो गए थे. बहुत मीठे हो गए थे. कुमकुम जी, जब फल बहुत मीठे हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल है कि कट्टो गिलहरी गोफर ये सारे आ जाते हैं, बताइए क्या करें, इनसे कैसे पीछा छुड़ाए. देखिए, आपको शुगर नहीं होगी, उनको उनको ही शुगर हो जाएगी. आई लाइक दिस. हमारे यहाँ बादाम का पेड़ है, लेकिन एक बादाम हमें खाने को नहीं मिलता, वो सारी कटोकलहरी लिखा जाती है. वो बड़ा पेड़ होगा ना, उसके लिए बड़ा पेड़ होगा. आप ना अगर छोटा है तो बैग लगा दो, पहले तो ग्रीन आते हैं बादाम के, तो पहले तो वो ग्रीन होते हैं, उसके अंदर फिर जाना तो बहुत मुश्किल होता है गिलहरी के लिए. तो ग्रीन खा लेती है ना पूरा, ग्रीन खा लेती है. कोशिश कर सको अपने आप को, जितने खाने हैं आपको उतने बचा लो, आप जितने तोड़ोगी उतने बचा लो. उनको भगाने का कुछ तरीका था, ग्रेप्स का एक ही पेड़ था, उसमें कम से कम 50-60 बंच थे, है ना. मुझे जो बचाने थे बचा लिए, बाकी वो गिलहरी ले गई. बाकी गिलहरी चाहिए थे ले लिए. ये गोफर के लिए क्या करें, वो तो अमरूद के पेड़ की जड़ में पहुंच जाते हैं, वो उन्होंने आधी जड़ खा दी बिल्कुल से अमरूद के पेड़ की. अच्छा, उसके लिए तो फिर एक वो क्या कहते हैं, मैंने देखा था होम डिपो पे वो मिलता है, एक बड़े एनिमल को भगाने का कोई स्प्रे आता है, कोई दूर दूर, अगर बच्चे घर में नहीं है, 2-3 दिन कहीं बाहर जा रहे हो तो करके चले जाओ, वो आपके पास 3-4 महीने तक जानवर नहीं आएंगे, फिर वगैरह इस तरह के जानवर होते हैं, फिर नहीं आएंगे वहां तक. कैन इट इंपैक्ट द फ्रूट? कैन इट इंपैक्ट द फ्रूट आल्सो? नहीं, डियर भी नहीं आएंगे. डियर तो एक बार ट्राई करके देखो, वो आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको कह दो अभी मत जाओ बाहर, वैसे वो नुकसान उसमें लिखा है कि चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि मेरे घर तो बच्चे हैं छोटे, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे नेबर में ही मेरी डॉटर रहती है, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मतलब मैं बड़े केयरफुली कोई चीज यूज करूंगी तो करूंगी, नहीं तो मैं पेस्टिसाइड यूज करती ही नहीं कभी भी. नहीं नहीं चाहिए. मैं कभी नहीं करती, छोटे बच्चे ना मैं लॉन में डालती, कहीं नहीं डालती, मेरा लॉन इतना हरा हो रहा है बिल्कुल अच्छा खासा. अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारा कि ये हमारे जो फिक अप ट्री है, उससे जो फिक तो लगते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो कभी पकते नहीं है, और अंदर से पके सॉफ्ट जैसे होते हैं, नहीं होते, वो ऐसे ही मुरझा जाते हैं पेड़ के ऊपर ही.
तो उसको उसके लिए आपको सुनिए फर्टिलाइजर बहुत जरूरी होती है फ्रूट्स में। अच्छा फ्रूट लेने के लिए जो मैं आपको फर्टिलाइजर बता रही हूँ जो आप फेंक देते हैं घर में खाना खाने के बाद, वो सारा आपका जो घर का कचरा होता है ना उसका एक ड्रम बना लीजिए। तो प्लांट्स को भी खाने को चाहिए होता है पूरा, तो वो इसलिए वो फ्रूट को फ्रूट अच्छा वो नहीं दे पाता, न्यूट्रिशन नहीं दे पाता। अगर छोटे बच्चे को भी आप देखिए कि इंडिया में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको खाने को ठीक से नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, तो उनके बाल भी आप देखेंगे कि हम लोग के जैसे हेल्दी नहीं होंगे, उनके बाल भी आप देखेंगे ना बिल्कुल ब्राउन ब्राउन से ढीले ढीले बाल आ जाते हैं क्योंकि उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा प्रॉपर। तो या प्लांट्स को भी सेम तरह बच्चों की तरह ही रखना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपको। आपके घर में सब सामान है, मेरे पास देखिए ऐसे 4 कैन भरे हुए हैं पूरे पूरे। ये 4 कैन काय के भरे हुए हैं? कचरे के। कचरे के नहीं, अच्छा ऐसे ओनियन पील का, ओनियन पील और सबका उसका जूस जो है ओनियन पील का। और आप तो कह रहे हैं किसी भी फ्रूट किसी भी सब्जी का पील चलेगा, आप तो बोल रहे हैं ना कि सब्जियों का एक बहुत अच्छा बनता है, एंजाइम बनता है। आप एक क्या कहते हैं कितना किलो लेना होता है इसमें? 100 ग्राम का आपको। एक क्वेश्चन मैडम, हमारे मेरा भी क्वेश्चन है, बात एक छोटा प्लांट है तो उसके अंदर वो जो है फूल ही जो है झड़ जाते हैं, पूरे नींबू नहीं लगते। पिछले साल एक नींबू मिला था, इस बार 5-6 है बस। या हमें भी प्रॉब्लम। अच्छा उसकी मैं कटिंग बताती हूँ। येलो उसके कटिंग जो होती है पेड़ों की कोई भी, अच्छा कटिंग जो मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, मेन चीज जो है पेड़ में नींबू नहीं आ रहे या कोई फल नहीं आ रहा या लौकी बहुत सारी, मेरे यहाँ पेड़ दिखाऊंगी अभी आपको 40-50 लौकी आती है एक पेड़ के अंदर। आप सोच नहीं सकते, भरी हुई है, मैं दिखाऊंगी। अच्छा उसके लिए मेन चीज मैं बता रही हूँ, टमाटर तो इतना भरा हुआ है मतलब भर भर के आता है बास्केट में, ऐसी मैं बीन्स बता रही हूँ कि हम खाई नहीं पाते, पड़ोसियों में कहते हैं ले जाओ ये ले जाओ। अपना एड्रेस बता दो मुझे। सब आएंगे ऐसा थोड़ा सा आपने लेट पूछा एड्रेस, क्योंकि टाइम जो है धीरे धीरे अब सर्दियां आती जा रही है ना, चीजें सूखती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। कोई बात नहीं, मूली खाने आ जाऊंगी जब जब तुमको। हम जल्दी बताओ, माउंटेन व्यू में रहते हैं, क्या डाला जाए मैडम? कुमकुम आप बताने लगी थी पर बताया नहीं कि ये जो चीज है। हट्टी जी कटिंग बताती हूँ, कोई भी पेड़ है आपका, कोई भी बेल आ रही है, कोई भी बैंगन का है या लौकी का है, टमाटर है, तो उसके नीचे से आप 5 पत्ते तक तो उसको तोड़ दीजिए, 5 लीव्स। तो जब 5 लीव टूट गई, सपोज 1 फिट आपका डंडी डंडी रह गई बस खाली, 12 पत्ती ऊपर तक की वो छोड़ के ऊपर से टिप काट दी पेड़ की, फिर काट दी 12 छोड़ के फिर वापस काट दी। हाँ, क्योंकि फर्स्ट ब्रांच में मैं बता रही हूँ केवल मेल फ्लावर्स निकलते हैं, आपका फीमेल फ्लावर आता ही नहीं है। ओके ओके, है ये तो पक्की बात है, ये तो है ना। तो उसके बाद आपकी नीचे से सेकंड ब्रांच निकलेगी, समझ में आ गया? ये मैं कॉपी में बताऊं, देख करके कॉपी में खींच के। लेमन के ट्री को भी यही करना है, लेमन सेम चीज करनी है। मैं आपको इसमें बता देती हूँ, एक मिनट पहले बहुत अच्छे से समझा दूंगी आप लोगों को, जिससे कि इसके बाद ना आपके आप कहोगे अच्छा कुमकुम बहुत बढ़िया, हमारे पेड़ में तो लौकी भर गई, अब तो तुम्हारे में तो आई नहीं रही है, ऐसा हो जाएगा। देखो ये कोई भी जैसे सपोज ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हाँ जी तो ये ट्री है आपका। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है ये जमीन आई है आपकी, ये रूट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी ट्री के बाद 5 पत्तियां यहाँ तक, ये वाली और ये 5 पत्तियां आप निकाल दीजिए, ठीक है। ये पत्तियां तोड़ के चले जाओ, और यहाँ से कोई भी ब्रांच आ रही है आपकी वो निकाल दीजिए सारी, तो बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, चाहे टमाटर का हो कोई भी हो, क्योंकि ये जो होगा आपके टमाटर में ज्यादा टमाटर नहीं आने देगा आपको, वो कर देगा। अच्छा जो फर्स्ट ब्रांच है इसमें आपकी 12 पत्तियों तक है ना, आप इसको चलते रहने दो। ओके, और ऊपर से फिर कट कर दो, ऊपर से जब 12 कंप्लीट हो जाए तो ऊपर से कट कर दो यहाँ से। तो आपकी लोगों की ये हो गई फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट जनरेशन हो गई ये। ओके, है ना, तो इसको फर्स्ट जनरेशन कहेंगे। ये इसमें खाली मेल फ्लावर आते हैं केवल। तो 12 कौन से गिने, 5 के साथ मिलाकर सारे मिला करके आप गिन लीजिए, नीचे के 5 कर लीजिए, ऊपर के 7 या 8 कर लीजिए मैक्सिमम। ओके,
ठीक है, तो इतना होना चाहिए। और इसमें से फिर ब्रांच निकलती है, इसमें तो आपको पता ही है कि इसके अंदर आपका फल आएगा ही नहीं। तो अब जब ब्रांच निकलनी शुरू होती है, लोग सोचते हैं अरे हमारी ये भी ब्रांच आ गई, ये भी आ गई, उसमें तो बहुत ब्रांच आने लगती है, तो सोचते हैं सारी छोड़ दो। तो इसके अंदर मान लीजिए जो सेकेंडरी ब्रांच आती है ये वाली, तो इसमें से हमें तीन रखनी है, ये और ये और ये, तीन। तो तीन इस क्योंकि हमें मेल फ्लावर की भी जरूरत होती है हमेशा, है ना। तो इसमें से जब आपकी मेल में से आएंगी तो इसको भी आपने 12 छोड़ करके फिर ऊपर से कट कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर 14 मेल निकलेंगे और एक फीमेल निकलेगा। अच्छा, है ना। तो इसके लिए तीन ब्रांच बहुत है हमारी, समझ में आ गया, 1, 2 और 3। ये तीन ब्रांच काफी हैं, और आपने इसको भी 12-12 पत्ते करके छोड़ दिया, काट दिया ऊपर से। और ये पक्का काटना पड़ेगा, ये खुश होके नहीं कि हमारा तो पेड़ बढ़ रहा है हम काट देंगे तो हमारे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। तो बाकी 6 को क्या करें, जो बाकी 6 हैं ऊपर, बाकी सब काट दो, सब काट दो, सब काट दो यहाँ से। और ब्रांचेज आ रही है वो आपको मन नहीं करेगा काटने का, इसमें तो फूल आ रहे हैं क्यों काटूं। आप सिर्फ 3 छोड़ो, बाकी सब काट दो, बाकी सब ओके, ठीक है। 3 काफी है आपके लिए, जब आपके उसमें फल आएगा ही नहीं तो आप क्या करोगे। राइट राइट। और हमें उसकी जरूरत है ही, मेल की फ्लावर की जरूरत है, उतना सफिशियंट है। अब इसके बाद जो इसमें से तीसरी ब्रांच निकलेगी, यहाँ से और इसमें से कितनी सारी निकलती है, निकलते रहने दो, जितनी निकलती है कोई काटने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो तीसरी वाली होती है उसमें सारे फीमेल होंगे। ओके ओके, हाँ सारे होंगे। आपको मेल से मिल गया, फीमेल का हो गया, है ना, तो आपके फूल सारे जो है तैयार हो गए। उनको फिर आप क्या करो कि अगर आपको लगता है कोई कीड़ा के काट लेगा तो उसको इससे कवर कर दो थैली से। तो वो लौकी जब इतनी थोड़ी बड़ी हो जाएगी आपकी, तो उसके बाद खूब बड़ी मोटी होती चली जाएगी। मैं आपको दिखाऊं, लौकियां भी दिखाऊंगी, बहुत बड़ी बड़ी लौकी। तो आपको ये मिल गया, आपको फल मिला, और आप फिर कहेंगे सब कि तुम्हारे फल तो आ रहे हैं ज्यादा, सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि आपने उनको रोक दिया, आपने उन चीजों को रोक दिया जो कि आपको जरूरत नहीं थे, और इनकी जरूरत थी आपने बढ़ने दिया इसको। तो एक ही पेड़ काफी हो जाता है अगर अच्छा लौकी का पेड़, ऐसी सारी करेले का भी होगा, है ना। और ये वाली पिक्चर कहोगे तो मैं एक बार फोटो खींच के भेज दूंगी। करेले में तो बार बार लौकी के लिए कह रहे हैं, पर ये इट अप्लाइज टू एनी प्लांट, राइट। हाँ, ये लौकी के लिए नहीं है, ये तो लौकी ये सभी के लिए, एवरी प्लांट के लिए। करेले का भी ऐसे नीचे से पत्तियां तोड़ दें, नीचे से करेले का भी है ये सारा। आप इस जो मैंने मेरे टमाटर के प्लांट है, कोई भी प्लांट है आपका, सबके लिए, बैंगन का भी है, सबके लिए ध्यान रखना पड़ता है। लोग तो खुश हो जाते हैं, अरे इतने पत्ते आ गए टमाटर भर गया, लेकिन टमाटर टमाटर के पत्तों पे खुश मत हो, उसमें से टमाटर जब भरेंगे खूब सारे तब अच्छा लगेगा। लेकिन आपने अभी मुझे कहा कि ये 3 ब्रांचेस छोड़ दो, राइट। तो पहले से 3 ब्रांचेस क्यों ना छोड़ दे, बाकी सब निकाल दे। आपने पहले कहा पहले नीचे की 5 निकाल लो, फिर ऊपर जो 7 है, मैंने बोला नीचे की 5 पत्तियां निकाल लो, और एक्स्ट्रा नीचे की जो 5 पत्तियों के साथ कोई ब्रांच आती है वो सब निकाल दो, वो सब निकाल दो, राइट। फिर ऊपर जो 7 रह गई उसमें से फिर आपने बोला है कि 3 ब्रांचेस रहने दो, बाकी फिर निकाल दो। हाँ, तो पहले क्यों ना निकाल दो, जब नीचे की 5 निकाली, जब 5 निकाली जब बढ़ेगा तभी तो निकालोगे आप, जब उसमें से आएगा ही नहीं कुछ भी, आपने तो शुरू में से जा रहे हो ना। अगर हमारा ऑलरेडी निकला हुआ आप उसको क्या करें, ऑलरेडी निकला हुआ है तो उसमें 3 छोड़ दो आप, और बाकी सब कट करके फेंक दो। ओके। अगर तो हम बाकी सब कट करते हैं, हो सकता है वो सारी फीमेल हो जो हम काटते हैं, वो कैसे पता लगेगा? सेकेंडरी ब्रांच में होगी ही नहीं, ये तो गारंटी है, पक्का गारंटी है, होगी ही नहीं सेकेंडरी ब्रांच में। अगर तुमको मुझे इतना बड़ा हो गया नींबू का पेड़, मैंने तो 20 से लगाया तो काफी लंबा हो गया, लेकिन मैंने तो कटिंग तो नहीं करी थी, तो कैसे करे? एक इधर जा रही है, एक सीधी है, एक इधर 3 है उसमें ब्रांच। नहीं तो नींबू के पेड़ की तो अब आपका कितना बड़ा पेड़ है आपका, हाइट क्या है? मेरा तो 6 फुट हो गया, 5 तो बस 6 फुट के ऊपर, 6 फुट के ऊपर सारी पत्तियां काट दो, जितनी भी। एक मैं आप कटिंग दिखाऊंगी आपको कैसे करनी है। ओके। तो मेरे शेयर कर लो, आपके जितने क्वेश्चन है मैं शेयर करती हूँ थोड़े से। मेरी रिक्वेस्ट है सारे क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स पे ले आइए, एक एक करके हम ले लेंगे, ऐसे वो बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके। वाह क्या बात है। लौकी दिखाते हैं।
मतलब हेल्दी फूड चाहिए हमें, मेन तो हमें होता है कि आपके एक दो तो सबके घर में आ ही जाएंगे, दो लोग दो आपने मूली खा ली कह दिया तीन नींबू आ गया, ऐसा नहीं है ना, भर भर क्या रखेंगे, मूवी दिखा दे। अच्छा ये है मेरा पेड़ जो है ना, इसको काट के चली गई नींबू को, और ये ऊपर के काटने के आज मैंने कल कटिंग करी थी वाली इसकी, ये पहले कटने से पहले और ऊपर की जितनी निकल रही है ना ये ब्रांच सारी, ये कटने के कटने के बाद इतना छोटा कर दिया, देखिए जमीन तक पे गिर रहा है नींबू, ठीक है, ये पहले और ये बाद में, और साइड में जो बेकार हो रही है वो सब काट दी, देखिए अगर एकदम ऊपर नींबू लगा हो तो भी काट दे, काट दो, मैंने तो आज बहुत सारे काटे हैं नींबू, अब नीचे वाले इतने बढ़ जाते हैं, इतने सारे नींबू होंगे कि आपके घर के लिए काफी हैं। और अगर नींबू पॉट में लगा हो तो फिर क्या करो, पॉट का तो फिर ठीक ही है, आपका पॉट के रूट आपको देखना पड़ेगा, आपकी रूट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपको तब भी नहीं नींबू बढ़ेगा आपका, है ना, अच्छा तो उसकी लिमिट आ जाती है, नींबू तब कम हो जाएगा, मेरा तो नींबू तो पॉट में लगाना नहीं चाहिए ना, नहीं नहीं लगाया हुआ मैंने तो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लगा सकते हैं पॉट में, पॉट में भी लगते हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं आएंगे जितने हम लोग, ये देखिए लौकी एक पेड़ एक बेल पे देखिए, ओ माय गॉड कितनी अच्छी लौकी है, मैं तो लगाई थी एक बार, काली पीली हो गई, कवर भी डेढ़ फुट लंबी लौकी है, वाह बहुत अच्छी, एक ही साइज की है सारे, बड़े बड़े साइज की तोड़ती जा रही है, ये वाली तो जो बच गई है वो लौकियां वो है, अब कलर भी ऐसा लग रहा है जैसे मतलब नेचुरल, अमेजिंग। तो अभी ये क्या है, पूरे सीजन चलती रहेंगी कि बाद में ये पेड़ खत्म हो जाएगा, अभी तो खत्म हो जाएंगे, बाद में तो ये फिर निकल जाएगी, फिर से लगा देंगे कुछ अगर चलना होगा, सर ठंडों में फिर नहीं बढ़ती है बहुत ज्यादा, ठंड में बढ़ेगी, आपका पेड़ बहुत सुंदर हो रहा है, पर आपने ये रस्सियों के साथ बांधा हुआ है उसको ऊपर, मैंने तो अब नॉर्मल उसमें रस्सियों से इसलिए कर दिया उसको चढ़ाने की, बेल को चढ़ाया है बस खाली, की बेल जमीन पे गिर रही थी, इसके पीछे वाला घर मेरी डॉटर का घर है तो उधर चली गई है, आधी लौकी सब लगी हुई है, वेरी नाइस, बहुत कुमकुम जी हमने भी लौकी लगाई थी लेकिन उसके पत्ते पीले पीले होने लगे थे और फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो गया, मैं आपको जो पेस्टिसाइड बता रही हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेंगे ये वाले, अच्छा स्प्रे करते रहे बराबर उसका, कितने दिन के गैप में करना चाहिए स्प्रे, एक महीने में एक बार कर दीजिए बहुत है, वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल, ये नीम ऑयल का बताओ क्या था बीच में, दिखाती हूँ, हाँ मैं दिखाती हूँ, ये मेरा पेठा हो रहा है देखिए, अरे वाह क्या बात है, तो मैं पेठा दिखाती हूँ, मैं तोड़ के लाई हूँ आज, ये वाला दिख रहा है, पेठे का जूस, पेठे की मिठाई बनाओ, जूस। बहुत पेठे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसी पम्पकिन हो रहे हैं बहुत सारे, वाह मिर्चें देखिए भरी हुई है, इसका तो वैसे कहते हैं जूस, जूस इज गुड फॉर हेल्थ, ये अमरूद, मैंने अमरूद दिखाया वो अमरूद का पेड़ है ये, क्वेश्चन है कि ये सब जो बेल वाले जो हैं पेड़ ये सारे इन क्रॉलिंग हो सकते हैं जमीन पे या दे मस्ट बी रेज्ड अप टू गो अप हिल या रस्सियों से में जमीन पे भी हो सकते हैं, ये तो जमीन पे है आपका पेठा तो जमीन पे ही हो रहा है मेरे यहाँ तो, मैंने यहाँ जो हो रहा है वो बता रही हूँ, मेरे यहाँ तो जमीन पे ही हो रहा है सब कुछ, मैंने रेज बेड बना रखे हैं, मैंने तीन वो 3 फीट बाई 6 फीट के बहुत सारे मेरे बेड बने हुए हैं 4-5, मैंने लगा रखा है जैसे टमाटर बता रही हूँ, जैसे आप कटिंग करने से ही टमाटर का ये तो अब खत्म हो रहे हैं टमाटर, तब ये है नहीं तो आपका टमाटर तो इतना भर के निकला है कि हमने खरीदा ही नहीं टमाटर, अभी तो टमाटर का सीजन जा रहा है ना, हाँ नहीं अभी भी भरे इतना भरा हुआ है, मैं अभी का भी बाहर अंधेरा हो गया नहीं तो मैं दिखाती अभी की भी दिखाती हूँ, मैंने कल खींची है जो ये खरबूजा देखिए कितने बड़े साइज का खरबूजा निकले, मीठे खरबूजे, वाह ओह माय गॉड, खरबूजे हो रहे थे 50-60 खरबूजे निकाले मैंने, ओह माय गॉश, अमेजिंग यू आर अमेजिंग, आपके हाथ में है कुछ, नहीं हाथ में नहीं है ना, हाथ का बता रही है ना जो मेरे हाथ में, योगेंद्र जी ने कहा जो आप खुद करती हो वो करके वो बताना, नॉर्मल तो कुछ कमाल है ना आप, फिर भी ग्रीन फिंगर है, अलग ग्रीन थंब होता है ना जिसका,
बीन्स कम से कम 20-30 किलो बीन्स निकली है मेरे भी भरा पड़ा है और पूरा ग्रोसरी स्टोर खुला हुआ है ये तो। कितने प्लांट्स लगाए थे आपने बीन्स के जो इतनी निकली? बीन्स के तो 5 प्लांट लगे हुए थे, वो तो मैं जब भी आईसीसी जाती थी लोगों को लेके तो जाती थी जितना थी। 5 प्लांट कितने बीन्स? हाँ कुमकुम तुम्हारा बगीचा कितना बड़ा है, बगीचा दिखाओगी? अभी मैं दिखाती बगीचा, अच्छा इसमें दिखाती हूँ बगीचा, जो इस समय तो अंधेरा हो गया नहीं तो मैं बाहर ले जाती अपना कंप्यूटर। वो काफी बड़ी जगह होगी आपके बगीचे की, बहुत इतना कुछ बनाया वहाँ पे। कुमकुम हम अभी भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे हमारा बैंगन का पेड़ है उसकी कटिंग या टमाटर? ये कटिंग का टाइम है, आप कर दो कटिंग अगर आपका फल नहीं आ रहा है। मेरे यहाँ तो अभी भरा हुआ है बैंगन से तो ना। नहीं आ तो रहे हैं, 3-4 आ रहे हैं, लेकिन मान लो जिसमें नहीं आ रहे उसमें कटिंग कर दे। हाँ कर दो कटिंग, कर दो। इवन टमाटर का भी नीचे से जैसे आप कह रहे हैं देखिए बीन्स कैसे लटके हुए लटके हुए हैं बीन्स। तो ये बीन्स भी आपने बेड के ऊपर धागे से लटकाया हुआ है बेल को? हाँ उसको डंडे लगा दिए, डंडे लगा दिए। ये तो पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है बीन्स आपकी? ये पेड़ पे नहीं चढ़ी हुई है, ये पेड़ का टहनी है जो माली कटिंग करता था उससे घुसवाई है अंदर, उस पे चढ़ाई है मैंने। ओ अच्छा। ये वाला तो गिरा जा रहा था पेड़, जो मैंने जो बाजार से बनी हुई खरीद के लाई ना, वो भी लगी हुई है ना पीछे, वो कंट्रोल नहीं कर पाती है वो। ये देखो टमाटर, देखिए ये आज तोड़ के लाई थी टमाटर, वो है मेरे तो टमाटर जब लाल होते हैं तो गिलहरी खा जाती है सारे। ये तो प्रॉब्लम है, बांधो बांधो। कुमकुम जी आप तो टेलीफोन नंबर दे दीजिए सबको, सो आपसे कंसल्ट कर सकेंगे जब चीजें उगानी है। व्हाट्सएप पे मेरा फोन नंबर है, आपको जब भी कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लीजिए। अब मैं रोज की केयर बताऊंगी, रोज देखो मेरा एक पेड़ पे कितने रोज होते हैं कि मेरे को किसी को जाती हूँ पूरा बंच अच्छे से गिफ्ट कर देती हूँ पूरा कुछ, तो खुशबू वाले मेरे रोज हैं सारे। मकान खा लिया कोई? आप इसकी कलम निकाल के रखो बगल में है। अच्छा रोजेस का बताइए आप, बाप हमें रोज केयर बताती हूँ जल्दी से। अब मैं कॉपी ले लूँ अपनी, अब मैं ये दिखाऊँ नहीं ना अपना गार्डन, तो दिखा के फिर उसका केयर बता। मजा आ गया, बहुत बहुत सुंदर है, गार्डन देख के मजा आ रहा है, बहुत दिल खुश हो रहा है। मुझे तो खुशबू भी आने लगी रोजेस की, महसूस करो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बहुत मजा आ रहा है। कितने घंटे लगाती हो गार्डन में ये बताओ, किचन गार्डन में? तो शशि जी पता है ना, देखो खरबूजे कैसे लटके हुए हैं, देख रही हैं आप कैसे? तभी मैं पूछ रही हूँ कितना टाइम देते हो आप। करी पत्ता देखो मैंने कटिंग कर करके लगाए हैं सारी। ये करी पत्ते का बताइए आप, इस करी पत्ती का? ये मैंने गिलोय, ये वहाँ से लेके आई थी 4 साल पहले, इंडिया से गिलोय की डंडी लेके आई थी, इतनी सारी कटिंग लगाई तो एक बन गई। अग्रवाल साहब जगह थोड़ा शांत रहिए, अग्रवाल साहब बढ़ जाएगी। अग्रवाल साहब आप बहुत बोल रहे हैं। हाँ हाँ जी, ये मैंने गिलोय की करी पत्ते का बतलाइए प्लीज। किस चीज का? करी पत्ते का। करी पत्ता अभी कटिंग कर लो, एक एक पेंसिल के बराबर का। अब योगेन जी के यहाँ तो बहुत सारे करी पत्ते हैं, उनसे ले लो। नहीं मेरा अभी कितना छोटा सा हो रहा है, करी पत्ते लगा हुआ है और ये तुलसी ठीक लग रही है और कुछ ठीक नहीं है। करी पत्ते का हमारा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, करीब होगा 6 इंच का, तो आप बताइए उसमें क्या करना है। अभी 6 इंच ही है बस आपका? हाँ 6 इंच है, वो मॉइस्चर है, उसमें पानी ज्यादा मत डालना, बस मॉइस्चर रहना चाहिए, है ना? अच्छा अच्छा। और उसमें से अगर यदि अभी से ऊपर ब्रांच आनी शुरू हो गई है तो वो ब्रांच हटा दो, काट दें ब्रांच को ऊपर की। ऊपर की तो आपका कितना बड़ा हो गया है, कम से कम आप 3-4 फीट बाद काट दो। 3-4 फीट के बाद? मेरा तो अभी 6 इंच का ही है, लेकिन आप अपना बढ़ने दो आप अपना। मेरा 3-4 फीट हो गया, 4 फीट हो चुका होगा शायद। आप रोजेस के बारे में बता रही थी, उसमें एप्सम सॉल्ट डाल सकते हो, पानी में मिला के एप्सम सॉल्ट डाल दो। देखो टमाटर लगे हुए, ये इस समय के लगे हुए हैं टमाटर, ग्रेप्स वाले देखो। वाह क्या बात है। उसमें पानी ज्यादा नहीं डालना चाहिए? नहीं करी पत्ते में पानी बिल्कुल कम डालिएगा, बिल्कुल मॉइस्चर रहना चाहिए, पानी तो डालिए मत जब तक आपका पानी। अभी तो रेनी सीजन है तो नहीं डालना, उसको थोड़ा बचा लो अगर यदि आपको लगता है जल्दी बढ़ जाए तो, है ना? अभी तो मेरा पॉट में लगा हुआ है, लेकिन तो मैं उसे उसमें रख सकती हूं। आप टमाटर में कुमकुम की ब्लड मिल भी डालती है क्या चीज? नहीं ब्लड मिल नहीं। अच्छा
मैं तो अपने घर का जो खाना बनाती हूँ, मैं बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ वैसे, लेकिन घर में ही खाना बनाती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ। और सारे उसके सब्जियों के जो छिलके होते हैं उसमें कोई मीट वीट का कोई भी टुकड़ा नहीं आता, नहीं तो जानवर आके, और जानवर आते हैं वो खराब कर देंगे, कोई भी डाल जाता है बाहर। तो मेरी सारी सब्जियां जो होती हैं, सब्जियों के पत्ते वत्ते जो होते हैं, एक उसमें कंपोस्ट बिन बना हुआ है मेरे पास, दो दो हैं, उसमें डालती जाती हूँ। अच्छा। और उसमें मेरी खाद तैयार हो जाती है नीचे से, वो जब मेरा गार्डनर आता है वो निकाल के मेरे प्लांट्स में डाल देता है। मेरी कोई, आप इसकी फोटो जरूर पे डालना व्हाट्सएप पे अपने डस्टबिन की, उसको हिलाना भी पड़ता है क्या कुछ? नहीं, हिलाने की कोई जरूरत नहीं है, हिलाने की जरूरत नहीं है, नीचे से निकालते रहो, वो अपने आप ही इतनी गरम गरम खाद निकलती है तो आपकी। और कोई पानी वानी डालने की जरूरत नहीं है? उसमें पानी ही नहीं मत डालिए, उसे तो पानी तो अपने आप ही थोड़ा सा सब्जियां छोड़ देंगी ना, जो आपके पत्ते की सब्जियां होंगी तो वो छोड़ देंगी सारी। ओके। तो ये आप रोजेस के बारे में बताइए ना, रोजेस की बता रही थी कुछ। हाँ, रोज केयर बता रही हूँ, टाइम खत्म हो जाएगा। कोई नहीं, टाइम कोई खत्म नहीं हो रहा, हम बैठे हैं यहाँ, कहाँ जा रहे हैं। रोज केयर के लिए आप लोग हल्दी 1 टीस्पून, एक मिनट, और नीम ऑयल 2 टीस्पून, एक सेकंड, मैं म्यूट करता हूँ, मुझे एक मिनट, सभी को म्यूट कर दीजिए। हाँ, वही करता हूँ, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। कुमकुम जी, हाँ कर लिए। हाँ, तो मैं फिर से बोल रही हूँ वो। हाँ जी। हल्दी 1 टीस्पून, नीम ऑयल 2 टीस्पून, और डिश सोप, कोई भी लाइट वाला ले लो सोप, ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत हार्ड वाला नहीं हो, है ना, 1 टीस्पून। इन तीनों को 1 लीटर पानी में मिला लो, 1 लीटर पानी में तीनों को मिला करके शेक कर लो अच्छे से, खूब सारा अच्छे से। और फिर उसके रोज पे सारे, क्योंकि रोज पे कभी चींटी आ जाएंगी, जब पूजा करेंगे तो चींटियां आ जाएंगी, हमारे पूजा घर में सब कुछ हो जाता है ना, वो पत्ते खा लेती हैं। तो आप अपने उसमें सब सारे गुलाबों में 15 दिन में 20 दिन में एक बार उसको स्प्रे कर दो, इनका रूट्स में नहीं देना? रूट्स को तो हम लोग ने पहले ही तैयार कर रखा है ना, रूट्स का तो आपको नहीं, ऑलरेडी व्हेन दे आर इन देयर, अगर चल रूट्स पे चला जाता है तो मैं डालते पानी कर दी, रूट्स को वो भी कर दीजिए आप, लेकिन पत्ते और उसको ही ज्यादा खराब होता है रोज के लिए ना। अच्छा, मेन चीज होती है रोज की, जो है मेन चीज है, आप अपना रोज का प्लांट 1.5 फीट से ज्यादा मत रखो। कभी कभी तो मेरी रोज की प्लांट्स कोई लंबी सी हो जाती है, खूब सुंदर सुंदर फूल देती है, जब वो बाद में जब फूल अच्छे से हो जाते हैं उसके तब काट देती हूँ मैं। ये तो 1.5 फीट में आपके बहुत अच्छे अच्छे रोज आएंगे, घने घने, कुछ तो रोज मेरे पास घर पे यहीं पे पड़े हुए हैं, मैं दिखाती हूँ, मेरे घर के ही रोज हैं बड़े बड़े, तो ऊपर ऊपर एकदम रोज आए हुए हैं, बल्कि नीचे है भी नहीं, तो भी 1.5 फीट के ऊपर का काट दे, काट दो तभी तो नीचे से आएंगे, नीचे से भरेगा, मैंने आपने देखे ना भरेगा कैसे, देखो कि रोज का साइज देखो ना, रोज का मेरे यहाँ जो है खुशबू वाला है ना, ये देखिए रोज का साइज, ये तो पुराने हो गए, 4-5 दिन हो गए रखे हुए, तब भी कितने अच्छे, खुशबू हमको तो नहीं आई। मेरे को आपका नाक बंद है। गुलकंद बना लिया कुमकुम, इसमें ये येलो वाले भी खुशबू वाले हैं? नहीं, येलो वाले में खुशबू नहीं है, रेड और पिंक वाले में, रेड में, रेड और पिंक में है, पिंक में एक डबल शेडेड पिंक है, उसमें बहुत खुशबू है। योगेंद्र जी, अगली बार आपके पास आएंगे ना, तब लेकर आएंगे तो सुंघाएंगे आपको। लाई थी वीना जी, मैं लाई तो थी आपको, है ना, ट्रैवल की पिकनिक पे आप लेके आए थे, राइट राइट, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, किसी के यहाँ स्नेल बहुत होंगे तो उसके लिए कुछ लिखना है आपको, अगर स्नेल घर में, हाँ जी हाँ जी जरूर लिखाइए, स्नेल जो है इस समय आ जाते हैं बारिशों में, इसलिए लिखवा रही हूँ मैं, वो जो है आपकी सब चीजों को खराब कर देते हैं, उसको रोज को तो बहुत जल्दी खराब करते हैं, तो आप एप्सम सॉल्ट ले लीजिए 1 टीस्पून, और एक बार बना के रख लो अपने बाहर की अलमारी के अंदर, और रख करके नाम लिख के रख लो, जब भी आपको लग रहा है स्नेल आ रहे हैं बीच में 10 दिन में, बाहर खड़े धूप में सिकाई कर रहे हो तभी छिड़काव कर दिया, यही समय बनाना है।
तो सॉल्ट 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा। किस चीज के लिए है ये? सॉरी मैंने मिस कर दिया, ये किस चीज के लिए? स्नेल 1 टीस्पून, एप्सम सॉल्ट 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा और 100 ml वाटर। बस दो ही चीजें हैं, एप्सम सॉल्ट एंड सोडा। हाँ, इसमें नीम ऑयल नहीं चाहिए, इसमें कोई जरूरत ही नहीं स्नेल के लिए फिर। अच्छा, लेमन के लिए आपने क्या बताया था? क्या इसको तो पूरा होने दो ना, पहले इसको पूरा होने दो। और इसमें 100 ml वाटर, ठीक है, ओके, लिख लिया। तो स्प्रे करना है या जड़ में डाल दे पानी? स्प्रे कर दो, इसमें स्प्रे कर दो। अच्छा, और जमीन पे भी डाल दो इसको, जमीन पे भी डाल दो, जमीन पे रहते हैं स्नेल पे। हाँ, इसमें जमीन स्नेल जो होते हैं चढ़ जाते हैं रात को, उसमें पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, वो काटते रहेंगे काटते रहेंगे। तो स्प्रे भी कर दो, और स्प्रे भी करो, वो भी करो, चढ़े भी होते हैं वो। और वो आप देखेंगे अगले दिन, देखेंगे खुद ही देखोगे स्नेल आके आपके साइड पे आके मर गए। जब आपको अपना आप ही पता चल जाएगा मर रहे हैं इससे, है ना। अच्छा, किसी की पत्तियां अब आजकल मैंने देखा है सफेद हो जाती हैं, गुलाबों की, है ना, फंगस लग जाती है, वो फंगस होती है। ओके, तो अगर फंगस किसी के यहाँ लगी हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। फिर भी बता, बता दीजिए, लगी जाती होगी, फंगस। जैस्मिन की बेल के ऊपर थोड़े, जैस्मिन के लिए और रोज के लिए क्या बीच में क्यों बोलते हैं? कुमकुम जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? तो फंगस के लिए बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून। कभी कभी देखो कुकिंग ऑयल हम लोग क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं ना। हाँ, जो होता है फ्राई वाला, तो आप फेंको, फ्राई कर रहे हैं तो हमने एक बार यूज किया फिर फेंक देते हैं। हाँ, ना दोबारा तो यूज नहीं करते हो ना आप लोग? नहीं करते। हाँ, तो उस वाले ऑयल को आप लेके शीशी में लेके भर दो। ओके, अब वो रख लो अपने पास, फेंकने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो उसमें से 1 टेबल स्पून उसमें डाल दो फिर, ठीक है ना, बेकिंग सोडा में। और उसमें 1 टेबल स्पून डिश सोप। तो ये आपका ये बन जाएगा। और इसमें 1/2 लीटर वाटर में डाल दो ये सारा। तो ये आपका फंगीसाइड हो गया, आपकी पत्तियों के ऊपर छिड़काव करोगे तो आपके फंगस नहीं आएगी। ये सारी चीजें आपकी जो आप कह रही है ना, लौकी में पत्ते मेरे पीले हो गए, किसी के पत्ते कीड़े खा गए, लौकी में ये हो गया, तो जो सारी चीजें बता रही हूँ इन चीजों को यूज करते रहो। कभी कभी बनाना पील का फर्टिलाइजर यूज कर लो, कभी प्याज का। तो ये चीजें आपकी खाने की चीजें, आपकी खाने की चीजें खराब होंगी ही नहीं कभी भी, है ना। तो आप तो लेमन के लिए कौन सा फर्टिलाइजर बता रहे थे देने के लिए? तो लेमन के लिए तो मेन चीज है आप कटिंग करोगे और उसमें कंपोस्ट डालोगे जो भी है। ओके, कंपोस्ट डालेंगे तो उसके लिए उसकी गुड़ाई करके और उसमें कंपोस्ट डाल दो, बहुत पानी की जरूरत नहीं है इसमें भी। ओके, जब उस मेन चीज होती है जब लेमन में फूल आ रहा होता है तब जरूरत बिल्कुल नहीं होती पानी, तब उस लोग ऊपर से डालते हैं ना पाइप से पानी, तभी सारे फूल जड़ जाते हैं उसी समय। तब पानी, तब बिल्कुल भी पानी मत डालो, फूलों को डिस्टर्ब मत करो तब बस। अच्छा अच्छा अगर आपकी मिर्च, आप कह रहे हो कि मेरे पेड़ में मान लीजिए मिर्च नहीं आ रही है तो मुझे क्या करना है? कि किसी का पेड़ तो बहुत भर जा रहा है, हमको तो 6 मिर्चें ही मिली खाने के लिए। अगर बहुत मिर्च चाहिए तो उसको किसी कॉपर के बर्तन में, कोई भी घर में होते ही है कॉपर के, अगर कॉपर नहीं होता तो पैनी होंगी आपके घर में ना, तो किसी भी बर्तन में कर डाल के उसमें पैनीज डाल दीजिए। क्या डालना है? क्या डालना है? कॉपर डाल दो, कॉपर की होती है ना पैनी। सेंट, 1 सेंट। उसको किस चीज में डालो? पानी, दही में? हाँ, दही में डालकर उसको 3 दिन छोड़ दीजिए, वो बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर बन जाता है मिर्च के लिए और शिमला मिर्च के लिए। तो उसमें मिर्च के पत्ते आप देखते हैं ना मुड़ने लगते हैं, वो भी बीमारी आ जाती है मिर्च के पत्तों में। देखा शिमला मिर्च के कहते नहीं आ नहीं रही हमारी मिर्चें, तो पत्ते मुड़ रहे हैं, तो कितने मुड़े हुए पत्तों को तोड़ोगे? उसके अंदर वो इसका स्प्रे कर दो। या कॉपर के पत्ते में क्या डालना है? दही, इसमें कर दही, दही के अंदर थोड़ा सा, मतलब दही को मट्ठा बना लो, मट्ठा कर लो पानी डाल के अपना आप अंदाज से, और उसमें कॉपर के बर्तन में करोगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसको वाटर में डाल के स्प्रे करो। हाँ हाँ, वाटर में डाल के करो उसको, नहीं तो इतना इतना होता है कि जलने ना लग जाए ना इसके। पूरा अच्छा फर्टिलाइजर तैयार हो गया आपका। तो उसमें थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसमें सपोज आपने
100 ml वो लिया अपना मट्ठे कॉपर का वो लिया आपने दही, और उसके बाद आपने पूरे 1 लीटर पानी में डाल दिया, उसको स्प्रे कर दिया मिला करके, तो आपकी मिर्चें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो अभी मैं तो आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि 2-3 पेड़ लगाओ, मिर्च का लगा लो, मूलियां लगा लो, है ना, और उनको ट्राई करो थोड़ी सी खाद से ही। और ये कब करें? अभी अभी तो नहीं कर सकते, इट इज टू लेट राइट नाउ, राइट, फॉर फॉर मिर्चा एंड मूलियां। बलजीत जी, मैं आपसे कह रही हूँ कोई चीज पे लेट नहीं होते, कैलिफोर्निया इतनी अच्छी जगह है, हमारी इंडिया में तो बहुत होता है कि इतनी बारिश हो रही है, रुकी नहीं रही है, तो कहीं बहुत बर्फ जम रही है, यहाँ का तो मौसम काफी सही रहता है इन सब चीजों। यू कैन ग्रो इट इवन नाउ। हाँ, तो और अभी और आपकी चीजें खराब हो रही है, तो इस समय करो स्प्रे एकदम से बना करके। कोई भी चीज खराब हो रही है, आप कह रही हो मेरे उसमें नहीं आ रहा है, तो एकदम कटिंग करो। कटिंग करने में तो कोई टाइम तो होता ही नहीं है, हम कटिंग कर देते हैं, तो उनको धूप की जरूरत नहीं पड़ती। धूप इस समय धूप तो आ ही रही है ना, थोड़ा उन सनलाइट आ रही है, आ ही रही है थोड़ा थोड़ा, तो जगह पे अपनी जमीन तैयार कर लो जहाँ पर आपकी धूप हो।